लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. वी हैव गिवन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच हैव देयर साइन इक्वल्स टू पॉजिटिव क्वांटिटी के देन दिस वैल्यू. मतलब अगर क्वेश्चन की हम लैंग्वेज को पढ़ें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बात क्लियर है कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एंड साइन डेल्टा इनकी वैल्यू सबकी सेम है, इनकी सबकी वैल्यू के है, लेकिन एंगल फिर भी अलग अलग है. अब ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? अगर हमें साइन का ग्राफ मालूम है तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है. तो अगर इस टाइप से होता है, सपोज किसी नंबर के के लिए अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो दूसरी बार भी तो ये एंगल आएगा. और सिमेट्री से आप देख सकते हो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो ये वाला जो एंगल है वो पाई माइनस अल्फा आएगा. इसके बाद वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, वो आप देख सकते हो टू पाई प्लस अल्फा आएगा. और इसके बाद वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो वो कितना आएगा, थ्री पाई माइनस अल्फा आएगा. ये यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा बीटा आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सच दैट उनके साइन इक्वल हैं. और वो ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा के है. तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज के केस में लिखी हुई है. तो अल्फा इधर से आएगा पाई माइनस अल्फा, जो बीटा के इक्वल होगा. बीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के. गामा किसके इक्वल होगा, टू पाई प्लस अल्फा के. और डेल्टा किसके इक्वल होगा, थ्री पाई माइनस अल्फा के. और अब इस क्वेश्चन को जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर साइन अल्फा बाई टू लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है थ्री साइन बीटा बाई टू लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है टू साइन गामा बाई टू, और जो फोर्थ नंबर है दैट इज टू वन साइन डेल्टा बाई टू. अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनको सबको अल्फा के टर्म्स में पुट कर दो. तो पहला तो फोर साइन अल्फा बाई टू एज इट इज ही रह गया, दूसरा वाला हो गया थ्री साइन बीटा बाई टू पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू प्लस टू साइन गामा, गामा की जगह आप पुट करेंगे टू पाई प्लस अल्फा, तो ये अपने पास बनेगा पाई प्लस अल्फा बाई टू. और डेल्टा, डेल्टा की जगह पुट करेंगे थ्री पाई माइनस अल्फा, तो बनेगा साइन थ्री पाई बाई टू माइनस डेल्टा बाई टू, थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू सॉरी. तो इधर से अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी फोर साइन अल्फा बाई टू थ्री कॉस अल्फा बाई टू माइनस टू साइन अल्फा बाई टू एंड माइनस कॉस अल्फा बाई टू. एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा टू टाइम्स साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू. और इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन अल्फ़ा. ये भी एक फॉर्मूला है क्या, कि वन प्लस साइन टू अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा टू द होल स्क्वायर. ये इस नंबर का स्क्वायर होता है. अगर ये इस नंबर का स्क्वायर होता है तो इस नंबर का स्क्वायर रूट लूँगा. वन प्लस साइन टू अल्फ़ा का अगर स्क्वायर रूट लूँगा तो ये बनेगा मॉड साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा. ये अपने पास इस तरह से बनेगा. जब ये अपने पास इस तरह से बनेगा तो ये अपने पास हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस के, टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस के, जो कि अपने को एक ऑप्शन में गिवन है. एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं. क्वेश्चन में बोल रखा था अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन असेंडिंग ऑर्डर हुज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर साइन इज के, बट एंगल सारे अलग अलग असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो अल्फा कहीं इधर होगा, तो पाई माइनस अल्फा पे भी वैल्यू सेम ही आएगी. और पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के इक्वल हो जाएगा. टू पाई प्लस अल्फा पे भी सेम वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा के इक्वल हो जाएगा. थ्री पाई माइनस अल्फा भी सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा साइन के अंदर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा. और फिर तो बस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एलाइड एंगल फॉर्मूला बोलो या रिडक्शन फॉर्मूला बोलो, उनका यूज़ किया गया है. और उसके यूज़ करने के बाद ये फॉर्मूला और एक और यूज़ किया गया कि वन प्लस साइन टू अल्फा इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर. इट मीन्स अंडर रूट वन प्लस साइन टू अल्फा इज मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस